दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो और उस कंपनी को बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उस कंपनी का मालिक जाएगा बैंक के पास भी, हमें बिजनेस की ग्रोथ के लिए लोन चाहिए। तो बैंक का एक ही जवाब रहेगा भी लोन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको आपकी कंपनी की हमें एज ए प्रोविजनल एक एस्टिमेटेड और एक प्रोजेक्टेड आप बैलेंस शीट बनाकर हमें दे दीजिए। तो जो कंपनी का मालिक है वो सीधा आएगा अकाउंटेंट के पास में और अकाउंटेंट को आके ये बोलेगा भी हमें बैंक में लोन लेने के लिए प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के बैंक में देनी है, जिससे कि हमारा आगे की कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, जो फ्रेशर अकाउंटेंट है जिन्होंने कोई प्रोविजनल एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड से रिलेटेड कोई बैलेंस शीट बनाने से संबंधित कोई वर्क ही नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ा सा कि मुश्किल का काम हो जाता है भी वो इसको किस तरीके से तैयार करेगा, प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड। और जो अकाउंटेंट लोग पहले से काम करते हैं, जिन्होंने पहले से किसी कंपनी के लिए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या उन्होंने किसी को कंपनी का जो लोन ऑलरेडी चल रहा है उसका रिन्यूअल भी करवाया हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उन्होंने अपने हाथ से प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाई होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक ये सारा काम एक फ्रेशर अकाउंटेंट को करना पड़ जाए तो उसको किस तरीके से ये तीनों टाइप की बैलेंस शीट है जो रेडी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप सारी बातें समझ में आ पाओगे भी इन तीनों बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है भी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों बैलेंस शीट का मतलब हमें पता होना चाहिए भी इन तीनों टाइप की बैलेंस शीट के अंदर होता क्या है, यानी कि क्या कारण है भी बैलेंस बैंक हमारे से ये तीन टाइप की बैलेंस शीट है जो मांगता है। तो दोस्तों, ये बैलेंस शीट बैंक आपसे दो कंडीशन में मांगता है भी अगर आपकी कंपनी ने पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये तीन रिकॉर्ड तैयार करके देने होते हैं। अगर आपकी कंपनी का लोन ऑलरेडी चल रहा है और उसी लोन को आगे एज इट इज और रखना चाहते हो तो आपको उस लोन को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर आप उस लोन को रिन्यूअल कराओगे तब भी आपको अपनी कंपनी के प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको तैयार करके देनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं भी प्रोविजनल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अभी देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, वो कौन सा चल रहा है भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का चल रहा है, और अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है सितंबर मंथ। तो अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर भी आपकी कंपनी की जो आप रिटर्न फाइल करते हो जीएसटी से रिलेटेड, वो आप मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली फाइल करते हो। भी अगर आपकी कंपनी है जो मंथली रिटर्न फाइल करती है, यानी कि GST R1 और GST R3 भी को मंथ वाइज रिटर्न को फाइल करते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपसे क्या बोलेगा भी प्रोविजनल का मतलब हो गया भी आप हमें 1 अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक का, क्योंकि सितंबर महीना तो अभी तक चल रहा है, सितंबर महीना तो एंड हुआ ही नहीं है, तो आप हमें 1 अप्रैल से लेके और 31-8 यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, आप इन 5 महीने का आप कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो हमें एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बना के दे दो। अब बात आती है भी इस प्रोविजनल बैलेंस शीट में हमें तैयार करके दे क्या देना होगा। तो इसके अंदर जो हम ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, सेम वही रिकॉर्ड आपको तैयार करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करेंगे उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भी प्रोविजनल ट्रेडिंग अकाउंट 31 अगस्त 2022, क्योंकि 31 अगस्त 2022 का रिकॉर्ड हम तैयार कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर आपके पास कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी टेली जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और Alt+F2 करके आप यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का। तो आपने 31 अगस्त तक यानी कि जो 5 महीने के अंदर आपने GST R1 और GST R3 भी जो फाइल आप कर चुके हो और जितना ITC आप ले चुके हो, तो वो रिकॉर्ड आपका परचेज रिकॉर्ड और वो सेल का रिकॉर्ड आपकी GST रिटर्न के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए, वो आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तैयार करके देना होगा 31 अगस्त 2022 की बैलेंस शीट में। और 31-22 की बैलेंस शीट के अंदर आपने टोटल कितने एक्सपेंसेस आपके अभी तक कर चुकी हो, कितनी आपकी इनकम आ चुकी है अदर इनकम, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तैयार करके देनी पड़ेगी। और उसके बाद में 31 अगस्त तक की आप बैलेंस शीट देख सकते हो भी 31 अगस्त तक आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर
क्या कुछ रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है? 31 अगस्त को आपके पास बैंक बैलेंस क्या था, डेब्टर्स कितने थे, कैश इन हैंड आपके पास क्या था, स्टॉक आपके पास क्या था, इसके अलावा आपके पास अदर लाइबिलिटीज जैसे सेंडी क्रेडिटर्स हैं, कोई गवर्नमेंट की टैक्स की लाइबिलिटी बन रही हो, कोई बैंक से की और कोई लाइबिलिटी आपके पास आ रही हो, तो वो सारा 31 अगस्त का रिकॉर्ड आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर आपको तैयार करके देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आपको बैंक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके हाथ में है, आपको पता है अभी 31 अगस्त जा चुका है, तो ये रिकॉर्ड सब कुछ आपने मेंटेन कर लिया, तो इसका मतलब जो रिकॉर्ड बीत चुका है जो पीरियड, उसका जो रिकॉर्ड देना होता है वो देना होगा हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद बारी आएगी एस्टिमेटेड की। तो अब एस्टिमेटेड का मतलब क्या हो गया, अभी 31 अगस्त तक आपके पास तो रिकॉर्ड ओरिजिनल है ही, जिसके आप रिटर्न फाइल कर चुके हो। तो अब एक बात हम और कर लेते हैं, अब अगर आपकी कंपनी मान लीजिए मंथली रिटर्न फाइल नहीं करती, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है, तो उसके दौरान बैंक बोलेगा भी आप सितंबर मंथ के बाद में आप 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल करके हमें सबमिट करवा दीजिए। यानी कि फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा, 30 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि आप जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों की रिटर्न आप अक्टूबर मंथ में फाइल करोगे, तो आपको वो सितंबर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर तक की जितनी आपकी परचेज सेल, जितनी आपकी डिटेल्स है, वो सारी आपको तैयार करके देनी पड़ेगी प्रोविजनल में। अगर आपकी मंथली है तो मंथली आप 31 अगस्त 5 मिनट के भी आप बैंक में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है एस्टिमेटेड की। अब एस्टिमेटेड में क्या होगा, 31 अगस्त तक का तो रिकॉर्ड हमने तैयार कर दिया, लेकिन अब आगे 7 महीने और भी तो पड़े हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस 7 महीने के अंदर आप कितना काम और कर लोगे, यानी कि ये फ्यूचर की बात है भी इन 7 महीनों के अंदर आप कितना काम और कर लोगे, उसके लिए आपको एक अलग से एस्टिमेटेड का रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, यानी कि ये सेम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों रिकॉर्ड आपको एक 31 मार्च 2023 यहाँ पर लिखा जाएगा, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2023, यानी कि 7 महीनों के दौरान आप कितना डाटा और आपके पास आ जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा उसका आइडिया हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके आइडिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 5 मंथ के अंदर हमने सेल परचेज करी है, जितने एक्सपेंसेस हमने करे हैं, उसी को बेस मानते हुए, उसी से थोड़ा सा हमने कोई 2-3% की ग्रोथ करते हुए हम इसको आगे के 7 महीने का रिकॉर्ड का आइडिया और ले लेंगे। अब और लेने का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये बैलेंस शीट है, हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखें तो 31 अगस्त का हमने पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और ये हमने 2,17,131 रुपये की 31 अगस्त तक सेल हम कर चुके हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 5 मंथ के अंदर, तो यानी कि 2,17,131 / 5, तो यानी कि ए पर मंथ की जो हमारे पास सेल आ रही है वो आ रही है 43,426 रुपये और 20 पैसे की। तो यानी कि हम इसको ये मान के चलेंगे भी जो सितंबर महीना रहेगा उसके अंदर हमारी जो टर्नओवर है वो 44,000 रुपये की रह जाएगी, अक्टूबर महीना आएगा उसके अंदर हमारी 44,500 रुपये की हम सेल करेंगे, उसके बाद आएगा तो इसके अंदर हम 45,000 रुपये की, 46,000 रुपये की कर देंगे, 47,000 की कर देंगे, 48,000 की कर देंगे, यानी कि हर मंथ के अंदर थोड़ा सा ग्रो हमें दिखाते हुए वो आगे का एस्टिमेटेड जो रिकॉर्ड है वो आपको तैयार करना। वो कब तक का तैयार करना होगा, 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च 2023 तक का रिकॉर्ड आपको तैयार करके देना पड़ेगा, 1 अप्रैल 22 से लेके। तो 31 अगस्त तक आपके पास एक्चुअल आ जाएगा और 7 महीने आपको 5 महीनों की जो अपनी रिकॉर्ड है उसको एस्टिमेटेड मानते हुए, उसी का आइडिया लेते हुए आपको आगे का रिकॉर्ड तैयार करके दे देना है। या फिर आप अपने बिजनेस का जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंदर आपने जो प्रोडक्ट सेल करने होते हैं उस सेल की आइडिया आप ले सकते हो भी आपके इस जो प्रोडक्ट की सेल है वो आगे आने वाले महीनों के अंदर घटेगी या उस प्रोडक्ट की सेल है जो बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो आप अपना डाटा उसी अकॉर्डिंग और ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज करके हम बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखा सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया एस्टिमेटेड का, और प्रोजेक्टेड का मतलब आ गया भी आपको 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2023 से लेके और 31/3/2024 तक का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको तैयार करके देनी होगी। तो अब हमें 1/4/23 से लेकर 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसकी टर्नओवर कितनी हो जाएगी, कितना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी परचेज होगी, कितनी सेल होगी, अब इसका आइडिया आज हमें किस तरीके से लगेगा, लेकिन ये आइडिया आपको जो आपने 31 मार्च 23 की जो बैलेंस शीट आपने तैयार करी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
इन सभी के अंदर आपको 15-20% की ग्रोथ मानते हुए, यानी कि 21% का आप आइडिया ले सकते हो, 21% की जो ग्रोथ मानते हुए इसका एस्टिमेटेड रिकॉर्ड आपने तैयार करना होगा। अब आपको तैयार करने का तरीका किसे है, जैसा कि हम यहाँ पर एक लेते हैं भी 31/8/2022 का रिकॉर्ड, और फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं 31/3/2023 का रिकॉर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बार 31/3/2024 का रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कंपनी के अंदर 31/8/2022 तक की 1,00,000 रुपये या 1,50,000 रुपये की सेल आपकी कंपनी की हो चुकी है। हम एस्टिमेटेड आपको आइडिया एक दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आप 5 महीनों की सेल ये, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको 5 महीने के साथ अगर हम डिवाइड करें तो यानी कि पर मंथ की सेल आ रही है 30,000 रुपये। तो आगे अब मंथ यहाँ पर बच गए 7 महीने, तो अगर हम इसको करें भी 30,000 इंटू 7, हम इसी को अगर बेस माने इक्वल, यानी कि 2,10,000 रुपये की आगे आने वाली 7 महीनों के अंदर सेल और हो जाएगी। लेकिन आपको एजीटी थी नहीं रखना, उसके बाद आपको थोड़ा सा किसका ग्रो करते हुए दिखाना। हम ये मान के चलेंगे भी आगे आने वाली महीने के अंदर हमारी 38,000 रुपये पर मंथ की सेल होगी, तो हमारा टोटल होगा 2,66,000 रुपये की आगे 31 मार्च तक टोटल सेल हो जाएगी 7 महीनों के अंदर। तो अब हमारी टोटल सेल जो हो जाएगी भी 1,50,000 रुपये की सेल हमारी हो चुकी है, 2,66,000 रुपये की हमने एज एस्टिमेटेड दिखा दी, तो टोटल टर्नओवर हमारी 4,16,000 रुपये की हो जाएगी 31 मार्च 2023 तक। आप इसके अंदर थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, आप अपनी बैंक के जो अभी आपने लोन पास करवाना है उसी के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद बारी आएगी 31 मार्च 2024 की, आप 31 मार्च 2024 तक की आपकी टर्नओवर कितनी हो जाएगी। तो अब हमने आइडिया यहाँ पर ले लिया भी 31/3/2023 तक की 4,16,000 रुपये की हो जाएगी, तो अब यहाँ पर हमने इसी को बेस मानते हुए भी 4,16,000 रुपये का हमने 20% और ज़्यादा थोड़ा सा का इंक्रीज हम कर लेते हैं, इसका 20% एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं भी कितना हमारा बनता है, एक बार कैलकुलेट हम कर लेते हैं भी 4,16,000 × 20%, तो यानी कि 83,200 हम आईडी से मोटा मोटी हमने इसको मान लिया 90,000 रुपये। तो टोटल हमारी जो सेल रहने वाली है वो 4,16,000 + 90,000, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं बैंक को भी आने वाले 31 मार्च 2024 को हमें 5,06,000, 5,07,000, 8,000 के अकॉर्डिंग इसका सेल है जो कर देंगे, क्योंकि बैंक आपका लोन तभी पास करेगा ना। बैंक को पैसा आपके लिए किस लिए चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। तो आप बिजनेस की ग्रोथ की हम दिखाएंगे भी इतना ग्रोथ हम कर सकते हैं तो ही बैंक आपको लोन देगा भी। अगर आप एजीटी इसी का एवरेज मानते हैं 31 मार्च की 24 को अगर सेल दिखाएंगे तो बैंक क्या कहेगा भी, आपकी जो सेल प्रेजेंट टाइम में चल रही है वही सेल आपकी आगे रहेगी, तो बिजनेस का ग्रोथ है तो आपका हो ही नहीं रहे। तो यानी कि एज 31/3/24 तक का या 31/3/2023 तक का जो हम प्रोजेक्टेड रिपोर्ट तैयार करेंगे वो एज ए आइडिया के रूप में एस्टिमेटेड मानते हुए हमने इसको रिपोर्ट है जो तैयार करते हैं। तो यानी कि हमें प्रोविजनल के लिए हमें सेम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का रिकॉर्ड तैयार करना है। इसी तरीके से एस्टिमेटेड के लिए भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों अलग से, और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के लिए भी सेम रिकॉर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों डाटा हमें अलग अलग साल के लिए अलग अलग रूप से तैयार करके देने पड़ेंगे। तो सभी के ऊपर आपका यहाँ पर 31 मार्च, जैसे मैंने 31 मार्च आप 24 बना रहे हो तो यहाँ पर आपको वर्डिंग जो लिखनी पड़ेगी वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 तक की। तो इस तरीके से हम हमारी जो कंपनी की जो टर्नओवर है उस टर्नओवर को आगे आने वाले महीने के अंदर हमें इसको ग्रो करते हुए इसको दिखाते रहना है ताकि बैंक में हमारा लोन है जो इजिली पास हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इन तीनों बैलेंस शीट का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, प्रोविजनल का, एस्टिमेटेड का और प्रोजेक्टेड का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई देने की। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसी टाइप की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगी।